हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपना राउंड 4 कंटिन्यू कर रहे हैं और बारी है सोशल स्टडीज़ की। तो जैसे कि मैं बता दूं कि सोशल स्टडीज़ अगर मैं बोलूं तो ये हमारा 4th चैप्टर है, बट ज्योग्राफी का 2nd चैप्टर है, ठीक है? क्योंकि हमने हिस्ट्री का एक चैप्टर किया है और सिविक्स का भी किया है और SS का भी एक फिनिश कर चुके हैं, ज्योग्राफी का भी एक फिनिश कर चुके हैं, और अब बारी है ज्योग्राफी के 2nd चैप्टर की, राइट? तो आज का जो चैप्टर है दैट इज कॉल्ड इनसाइड अवर अर्थ, यानी हमारे अर्थ के अंदर क्या है, कुछ उसके बारे में जानकारी करना। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत कुछ सीख सकते हैं इस चैप्टर के थ्रू। देखिए, बात है सिंपली इनसाइड अवर अर्थ की। अर्थ एक्चुअली क्या ना, बहुत ही पुराना प्लैनेट है और हर वर्ष हर समय कुछ ना कुछ नया उसके साथ होता ही रहता है। लोगों को बहुत कम पता है कि उसके अंदर एक्चुअली है क्या, लेकिन जितना पता है ना उसके बारे में हम आज जानकारी लेते हैं। और जो भी जानकारी है ये जियोलॉजिस्ट के बदौलती है। जियोलॉजिस्ट एक्चुअली वो लोग होते हैं जो अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं इंटरनली एक्सटर्नली हर तरीके से, राइट? तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिंग डेंसिटी एंड अदर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक्स, द अर्थ कैन बी डिवाइड इंटू 3 कंसेंट्रिक लेयर्स। कंसेंट्रिक लेयर्स मतलब क्या होता है ना, जैसे कि समझ लो ये अर्थ है ना, तो इसके अंदर ही 3 लेयर है और जिसका सेंटर सेम है, ठीक है? तो 3 लेयर है, तो वो 3 लेयर के नाम क्या है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। मैं आपको समझा दूं, जो अर्थ का जो सेंटर पार्ट है ना, उसके बाजू का जो एरिया है ना, ये पूरा कोर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कोर। इसके ऊपर का जो एरिया है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मेंटल, और उसके बाहर का जो एरिया है ना, जहां पर बहुत सारे मिनरल्स विनरल्स पाए जाते हैं, वो होता है क्रस्ट। और हम लोग क्रस्ट के टॉप सर्फेस पर ही रहते हैं, यहीं पर सब देखो पेड़ वेड़ उगे रहते हैं, नदी वदी पहाड़ वहाड़ सब क्रस्ट के ऊपर ही रहता है, ठीक है? देखते हैं, तो देखो क्रस्ट, द आउटर मोस्ट शेल कॉल्ड क्रस्ट और लिथोस्फेयर इज द थिनेस्ट लेयर। ये सबसे पतला लेयर है हमारे अर्थ का। इट्स एवरेज थिकनेस वेरीज फ्रॉम 5 to 40 किलोमीटर। द एवरेज थिकनेस ऑफ द क्रस्ट बीनीथ द ओशन इज 5 किलोमीटर। देखिए, क्रस्ट का ना पूरा जो थिकनेस है वो कितना है, 5 से लेकर 40 किलोमीटर तक का है, ठीक है? ये पूरी जमीन जमीन ही है, ठीक है? और समुद्र के नीचे भी अगर देखा जाए ना, तो 5 किलोमीटर की भी उसके भी नीचे उसकी डेप्थ है, ठीक है? ऑन द अदर हैंड द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऑन एन एवरेज इज अबाउट 40 किलोमीटर थिक। जितने भी कॉन्टिनेंट्स है ना, कॉन्टिनेंट्स, वो लगभग लगभग 40 किलोमीटर नीचे तक का पूरा वो रेंज उसका है। डिस्पाइट ग्रेटर थिकनेस द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज लेस डेंसर देन द ओशनिक क्रस्ट बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मिक्स ऑफ लाइट एंड डेंस रॉक लेयर। अब देखिए, जो ओशनिक क्रस्ट है, जो ओशंस के नीचे का जो जमीन है वो, और जो कॉन्टिनेंट जैसे हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं उसके नीचे की जमीनें जो है वो, उसमें ना जो हमारा जो जमीन है ना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, वो लेस डेंसर है। किसके कंपेरिजन में? तो ओशनिक क्रस्ट के, ठीक है? द चीफ मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है सिलिका एंड एल्यूमिनियम। देखो, सिलिका और एल्यूमिना है ना, ये दो मेन मिनरल्स के नाम है जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में पाए जाते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिलिका एंड एल्यूमिना, दैट इज सियाल। उसको क्या बोलते हैं? सियाल। सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। SI स्टैंड फॉर सिलिका एंड AL स्टैंड फॉर एल्यूमिना। द ओशनिक क्रस्ट कंसिस्ट मेनली ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम एंड इट इज कॉल्ड ए सीमा। सीमा देखिए, एक्चुअली जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना वो सियाल मिनरल्स को कंटेन करता है, और जो ओशनिक क्रस्ट है ना वो मैग्नीशियम और सिलिका यानी सीमा, ठीक है? ये कॉम्बिनेशन का नाम है। अब बात आती है मेंटल। मेंटल यानी क्रस्ट के नीचे की जमीन है। द मेंटल और द मीसोफेयर। मीसोफेयर इज द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज लोकेटेड बीनीथ द क्रस्ट एंड एक्सटेंड्स अप टू द कोर ऑफ द अर्थ। वो क्रस्ट के नीचे से शुरू होता है और कोर तक जाता है। द एवरेज थिकनेस ऑफ द मेंटल इज 2900 किलोमीटर। देखिए, क्रस्ट तो क्या है, बहुत छोटा है, 5 से 40 किलोमीटर तक का रहता है, लेकिन मेंटल देखिए 2900 किलोमीटर। एंड इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स दैट आर फार डेंसर देन द क्रस्ट। और ये बहुत ही ज्यादा डेंस होते हैं, इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है क्रस्ट के कंपेरिजन में। द मेंटल इज डिवाइड इन टू 3 लेयर्स। मेंटल भी 3 लेयर्स में डिवाइड होता है डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एंड प्रेशर विच कॉजेज द रॉक्स टू बी सॉलिड और सेमी सॉलिड। जिसकी वजह से ना रॉक या तो पूरी तरीके से सॉलिड होगा या तो फिर वो सेमी सॉलिड होगा। द टेम्परेचर ऑफ द मेंटल इज एक्सट्रीमली हाई सिंस इट कंटेन मोल्टेन मगमा विच कम्स टू द सर्फेस ड्यूरिंग द वॉल्केनिक इरप्शन एज लावा। अब देखो, मेंटल जो है ना उसके अंदर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि वो मोल्टेन मगमा को कंटेन करता है, और ये जो मोल्टेन मगमा है ना ये सरफेस पे आते हैं, क्रस्ट के ऊपर भी आ जाते हैं। कैसे आते हैं? ड्यूरिंग द वॉल्केनिक इरप्शंस। आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सिलिकॉन आ गया, ये मेन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इस मेंटल के, ठीक है? अब बारी है द कोर की। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द कोर और द बेरिस्फीयर। क्या बोलते हैं? बेरिस्फीयर। इसको बेरिस्फीयर बोलते हैं, इसको मीसोस्फीयर बोलते हैं, और क्रस्ट को लिथोस्फीयर बोलते हैं।
बींग कंपोज ऑफ मोस्टली मेटल, इसमें ज्यादातर मेटल होता है. इट इज ऑल्सो नोन एज द मेटेलिक कोर, इसको मेटेलिक कोर भी कहा गया है. इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेंटल बाई अ बाउंड्री एंड द कोर इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. द आउटर कोर इज कंपोज ऑफ आयरन एंड इज इन लिक्विड स्टेट, बहुत बड़ी बात है. एंड द इनर कोर इज कंपोज ऑफ आयरन एंड निकल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नाइफ, यानी निकल और आयरन. एफ ई स्टैंड फॉर आयरन. द हैवी मेटल्स एंड प्लेंटी ऑफ आयरन एक्सप्लेन द कॉज ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म. और कहा जाता है ना कि हमारे अर्थ के कोर के अंदर इतना ज्यादा आयरन और निकल है ना, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये ना हर एक चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है. और जो ग्रेविटेशनल पुल है उसका कारण भी एक तरीके से यही है, मैग्नेटिज्म का रीजन भी यही है, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है रॉक्स एंड मिनरल्स. देखिए, अ रॉक कैन बी डिफाइंड एज एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स. रॉक बेसिकली क्या है ना, एक तरीके से मिनरल्स का एग्रीगेशन है, एकत्रीकरण है. अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. अर्थ पूरी तरीके से रॉक्स और मिनरल्स से बना हुआ है. द रॉक्स फॉर्मिंग द क्रस्ट ऑफ द अर्थ आर इन सॉलिड स्टेट. जो रॉक अर्थ के क्रस्ट को बनाते हैं ना, वो ज्यादातर सॉलिड के स्टेट्स में होते हैं. एनी मास ऑफ हार्ड पोजिशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट कैन बी कॉल्ड एज अ रॉक. अर्थ क्रस्ट का कोई भी ऐसी चीज है ना जो हार्ड हो, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रॉक बोल सकते हैं. दे मेकअप मोस्ट ऑफ द सॉफ्ट मटेरियल ऑफ द लिथोस्फियर. इट हैज नो डिफिनेट कंपोजिशन. मोस्ट ऑफ द रॉक्स आर मिक्सचर ऑफ वेरियस मिनरल्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शन. रॉक्स में भी हार्ड और सॉफ्ट. अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, बताया गया है कि हर रॉक एक जैसा नहीं है, कोई हार्ड है तो कोई सॉफ्ट है, तो किसी में कम मिनरल्स है तो किसी में ज्यादा मिनरल्स है, ठीक है. अब मिनरल इज अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज हैविंग अ डिफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. अब मिनरल जो होते हैं ना, उसके बाद डिफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है और फिजिकल उसकी खुद की एक प्रॉपर्टी भी होती है. अ रॉक हैविंग अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सिंगल मिनरल सो दैट द मिनरल कंसर्न कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली फ्रॉम इट इज कॉल्ड एन ओर ऑफ दैट मिनरल. अभी कभी कभी क्या होता है ना, कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं ना जिसके अंदर ना एक ही प्रकार का कोई ना कोई मिनरल्स होता है, तो उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसमें से उसको निकाल सकते हैं. तो उस टाइप के रॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं, ठीक है. ओर ऑफ दैट मिनरल. मैग्नेटाइट एंड ओर ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक्स. देखिए, मैग्नेटाइट एक पत्थर का नाम है जिसमें से हम लोग आयरन को निकाल सकते हैं. तो मैग्नेटाइट है ना, वो एक ओर है, और उसको बोलते हैं जिसमें से हम लोग आयरन को निकाल पाएंगे या किसी मिनरल्स को निकाल पाते हैं. तो जैसे इसके अंदर से हम लोग आयरन को निकाल पाते हैं, तो ये आयरन का ओर है. किसका ओर है? आयरन का ओर है, ठीक है. अब बारी आती है टाइप्स ऑफ रॉक्स की. अब बात आ रही है टाइप्स ऑफ रॉक्स की. देखिए, रॉक्स आर यूजुअली क्लासिफाइड इंटू थ्री मेन ग्रुप्स. रॉक्स है ना, थ्री मेन ग्रुप्स में क्लासिफाइड है डिपेंडिंग ऑन द वे इन विच दे हैव बीन फॉर्म्ड, ठीक है. जिस तरीके से वो बनते हैं ना, उसी के आधार पर रॉक्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो रॉक्स के जो तीन मेन पार्ट्स हैं, दैट इज इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. इग्नियस रॉक्स, दीज रॉक्स आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक्स बिकॉज दे आर बिलीव टू बी द फर्स्ट रॉक्स फॉर्म्ड ऑन द अर्थ. देखिए, इग्नियस रॉक्स को एक सबसे, इसको प्राइमरी रॉक्स भी कहा गया है, क्योंकि ये वो रॉक्स है ना जो अर्थ के ऊपर सबसे पहले बने थे. ऑल अदर रॉक्स आर अल्टीमेटली डिराइव फ्रॉम इग्नियस रॉक्स. कहते हैं ना कि दूसरे बाकी के जितने भी रॉक्स हैं ना, सब इसी में से ही निकले हुए हैं. दे कवर द लार्ज परसेंटेज ऑफ द अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट का सबसे लार्ज परसेंटेज अगर कोई कवर करता है तो वो इग्नियस रॉक्स ही है. बिफोर फॉर्मेशन ऑफ द क्रस्ट, कहने का मतलब ये ना कि जब क्रस्ट नहीं बना था उसके पहले, तो मग्मा वॉज इन लिक्विड स्टेट. मग्मा यानी जो लावा होता है ना, वो इट्स अपर लेयर कूल्ड, उसका जो ऊपर का सर्फेस था वो ठंडा हुआ एंड बिकेम द सर्फेस ऑफ द अर्थ विच गेव राइज टू दिस रॉक्स. कहते हैं ना कि पहले क्या था, मेंटल के अंदर जो लावा वावा नहीं था, वो कहते हैं कि जो वॉल्केनिक इरप्शन में से निकलता है लावा वगैरह, ये पूरा सरफेस कैसा था, पूरा सरफेस है ना मगमा, मगमा यानी पूरा लावा के फॉर्म में ही था. फिर धीरे धीरे करके ठंडक हुई, ठंडक आया तो उसका एक पूरा टॉप सरफेस क्या है, सॉलिड हो गया, रॉक्स बन गया, और उसको ही हम लोग क्रस्ट बोलते हैं. इसी तरीके से वो बताना चाह रहा है, दिस रॉक्स कंटिन्यू टू बी फॉर्म्ड इवन टूडे. और आज भी ऐसे रॉक्स बनते चले जा रहे हैं. मॉल्टन मटेरियल इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज नोन एज द मगमा. मॉल्टन मटेरियल मतलब ऐसा हो गया ना जो गीला गीला लिक्विड फॉर्म में थोड़ा रहता है, सेमी लिक्विड फॉर्म में, उसको हम लोग बोलते हैं मॉल्टन. व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द क्रैक्स इन 100 किलोमीटर डीप लेयर अराउंड थ्रू द वॉल्केना इट इज कॉल्ड द लावा. देखिए, जब लावा के अंदर में वो जो गरम गरम जो एक लिक्विड होती है ना, रेडिश एकदम, तो उसको मगमा बोलते हैं. और वो 100-100 किलोमीटर नीचे रहता है अर्थ के, और वो किसी तरीके से जगह बना बनाकर हाई प्रेशर की वजह से ना, जब वो सरफेस पे आता है तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, लावा. और ये जो लावा है ना, ऑन कूलिंग फॉर्म्स इग्नियस रॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. और यही लावा है ना, ठंडा होकर ना सरफेस ऑफ द अर्थ पे इग्नियस रॉक्स बनाते हैं. एंड व्हेन दिस रॉक्स आर फॉर्म्ड ऑन द अर्थ,
दे आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव रॉक्स। और जब ये रॉक्स है ना अर्थ पर बनते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स। एग्जाम्पल्स ऑफ सच रॉक्स आर बसाल्ट एंड रियोलाइट, बसाल्ट एंड रियोलाइट। इंट्रूसिव रॉक्स आर दोज इग्नियस रॉक्स दैट सॉलिडिफाई बीनीथ द अर्थ सरफेस। और इंट्रूसिव रॉक्स वो होते हैं ना आर दोज इग्नियस रॉक्स दैट सॉलिडिफाई बीनीथ द अर्थ सरफेस। एक अर्थ के अंदर की तरफ बनकर तैयार होता है वो होता है इंट्रूसिव रॉक्स, और बाहर जो आकर फिर इग्नियस रॉक्स बनता है ना उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स। क्या बोलते हैं उसको? एक्सट्रूसिव रॉक्स। ठीक है, इग्नियस रॉक्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस रॉक्स आर हार्ड एंड कॉम्पैक्ट। ये जो रॉक्स है ना वो हार्ड भी होते हैं और कॉम्पैक्ट भी होते हैं। दिस रॉक्स डू नॉट अकर इन डिस्टिंक बेड्स और स्ट्रेटस, ये अलग अलग जगह पर नहीं बनते हैं। दिस रॉक्स डू नॉट हैव रिमेन्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स, और इसके अंदर किसी भी तरीके का किसी भी प्रकार के एनिमल्स या प्लांट्स का रिमेन्स या तो फिर वेस्ट नहीं होता है। दिस रॉक्स डू नॉट अलाउ वाटर टू परकुलेट थ्रू देम, ये जो पत्थर होते हैं ना अपने अंदर से वाटर को पास होने नहीं देते हैं। अदर टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स से दूसरे दूसरे रॉक्स बनते हैं। वैल्यूएबल मिनरल्स सच एज आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम आर फाउंड इन दिस रॉक्स। ये सारे अच्छे अच्छे जो मिनरल्स हैं ये सभी के सभी इग्नियस रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब बारी है सेडिमेंट्री रॉक्स की। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड थ्रू कंसोलिडेशन ऑफ सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड इन द वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक्स एंड सीज। द सेडिमेंट्स आर ड्राइव्ड बाय डेन्यूडेशन ऑफ द रॉक्स बाय एजेंट्स ऑफ इरोजन्स लाइक रिवर, ग्लेशियर्स, विंड्स एंड वेव्स। दिस एजेंट्स ऑफ इरोजन कैरी द इरोडेड पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स टू द वाटर बॉडीज एंड डिपॉजिट देम देयर। देखिए होता क्या है ना, कोई पत्थर है, लगातार पानी उस पत्थर से टकरा रहा हो, लगातार हवा उस पानी से टकरा रहा हो, लगातार कुछ ना कुछ उसके साथ वेव्स को टकरा रहा हो, ग्लेशियर्स टकरा रहे हो, रिवर टकरा रहे हो, तो इसकी वजह से क्या है ना उसके अंदर से छोटे 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 पार्टिकल्स है ना वो पानी के साथ बहते बहते चले जाते हैं। और जब एक समय आता है ना ये पानी जो होते हैं ना उन पार्टिकल्स को ना साइड में डिपॉजिट कर देते हैं, और वो जो जब डिपोजिशन है ना लंबे समय तक एक ही जगह पर रहता है तो वो हार्ड बन जाता है, और उसके हार्डनेस की वजह से ना एक रॉक्स बनता है, और उस रॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या बोलते हैं उसको? सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, सच डिपॉजिटेड मटेरियल इज कॉल्ड सेडिमेंट। सेडिमेंट कंटेन्स लूज पार्टिकल्स ऑफ ग्रेविल, सैंड, सिल्ट, क्ले इन वेरियस प्रपोर्शंस। देखो सेडिमेंट कंटेन्स लूज पार्टिकल्स ऑफ ग्रेविल, सैंड, सिल्ट, और ये सारी चीजें ना उसके अंदर आते हैं। ग्रेविल होता है, सैंड होता है, सिल्ट होता है, क्ले होता है, ये सारी चीजें। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय के बाद अ सिग्निफिकेंट थिकनेस ऑफ सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट्स, मतलब बहुत सारे ना सेडिमेंट्स के जो है ना मतलब एक मोटापा आ जाता है और वो एक्यूमुलेट हो जाता है यानी एकत्रित हो जाता है। एंड इट गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड और कॉम्पैक्ट टू फॉर्म अ हार्ड रॉक्स, और वो कड़क हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है और वो फिर एक हार्ड रॉक्स बना लेता है। ठीक है, दीज आर सेडिमेंट्री रॉक्स, और इसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड एदर मैकेनिकली, केमिकली और ऑर्गेनिकली। ये मैकेनिकली बन सकता है, ठीक है, केमिकली यानी केमिकल के माध्यम से ही बन सकता है, और ऑर्गेनिकली यानी अपने आप ही बन सकता है। दीज रॉक्स आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड कवर अबाउट 75% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। और सेडिमेंट्री रॉक्स है ना 75% ऑफ द अर्थ को कवर करता है। ठीक है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉक्स है। सेडिमेंट्री रॉक्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, देखते हैं। दीज रॉक्स आर सॉफ्टर देन इग्नियस रॉक्स, ये ना इग्नियस रॉक्स से थोड़े नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। दीज रॉक्स हैव हॉरिजॉन्टल लेयर्स अरेंज्ड वन अबाउट अनदर, मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके के लेयर्स हमको दिखाई दे देंगे क्योंकि ये डिपोजिशन की वजह से बना है। ठीक है, दीज रॉक्स आर मोस्टली फॉर्म्ड अंडर वाटर एंड हैव मार्क्स ऑफ वेव्स एंड मड क्रैक्स। ये ज्यादातर ना पानी के अंदर बनते हैं, इसके लिए उनके ऊपर निशान विशान भी होते हैं, ठीक है, वेव्स और मड क्रैक्स के। दीज रॉक्स ऑल्सो कंटेन रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसके अंदर ना किसी जानवर का या किसी प्लांट्स के रिमेन्स के भी निशान इसमें पाए जाते हैं, उसको फॉसिल्स बोलते हैं। बिटवीन द लेयर्स द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आर सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, कोल, और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब एक इंपॉर्टेंट रॉक आ रहा है दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस पढ़ लिया, सेडिमेंट्री पढ़ लिया, अब बारी है मेटामॉर्फिक रॉक्स की। एज द नेम सजेस्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स आर रॉक्स विच हैव चेंज देयर स्टेट फ्रॉम देयर अर्लियर फॉर्म। एक्चुअली मेटामॉर्फिक रॉक्स वो रॉक्स है ना जिसने पहले के कंपैरिजन में अभी अपना पूरी तरीके से रूपांतर कर दिया, यानी रूप को बदल दिया है। दे आर फॉर्म्ड बाय सब्जेक्टिंग एनी रॉक टाइप इंक्लूडिंग प्रीवियसली फॉर्म्ड मेटामॉर्फिक रॉक टू डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड प्रेशर कंडीशन देन दोज इन विच द ओरिजिनल रॉक वॉज फॉर्म। एक्चुअली कहने का मतलब क्या है ना, पहले कुछ ऐसे रॉक्स थे ना जो टेम्परेचर प्रेशर की वजह से उन्होंने पूरा अपना रूप बदल दिया, तो अब वो जो रूप बदल के जो नया फॉर्म आया ना उसको नाम दे दिया गया मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर आर सो हाई दैट दे चेंज द ओरिजिनल मिनरल्स इनटू द अदर मिनरल टाइप्स फॉर्म्स
बाय वेरियस नेचुरल प्रोसेस लाइक रिक्रिस्टलाइजेशन एक्सेट्रा, और पूरा रूप बदल के वो लोग रिक्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में आते हैं और उसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। ठीक है, इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देख लेते हैं। दिस रॉक्स आफ्टर चेंजेस रिमेन्स इन देयर ओरिजिनल पोजिशन। अब चेंज होने के बाद है ना, फिर ये लोग जो पोजिशन लेते हैं ना, वो इनका क्या है ना, ओरिजिनल पोजिशन है। दे आर वेरी हार्ड एंड हैव हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। इनकी हार्डनेस भी बहुत ज़्यादा होती है और इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। दिस रॉक्स डू नॉट हैव एम्प्टी स्पेसेस इन देम। इनके पत्थरों के बीच में ना एम्प्टी स्पेसेस बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के। अब यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, क्या यूजेस होता है। इन एशियन टाइम रॉक्स वेर यूज्ड टू मेक टूल्स एंड वेपन्स। पहले तो पुराने जमाने में टूल्स और वेपन्स बनाने के काम आता था। रॉक्स आर वाइडली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड हाउसेज एंड बिल्डिंग। रोड्स हाउसेज और बिल्डिंग बनाने में भी काम आता है। मिनरल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम प्रोवाइड्स द सोर्सेज ऑफ पावर। पावर के सोर्सेज होते हैं कोल और पेट्रोलियम। केमिकल फाउंड इन सम सेडिमेंट्री रॉक्स आर यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर। कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स के पास कुछ केमिकल वगैरह भी होते हैं जो फर्टिलाइजर बनाने के काम में आते हैं। सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स, और सॉइल जो है ना वो रॉक से बनते हैं। अब रॉक साइकिल क्या होता है वो देखते हैं। देखिए, द रॉक साइकिल इन सिंपल टर्म्स कैन बी डिस्क्राइब एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन रॉक फ्रॉम द अनदर। यानी एक रॉक का दूसरे रॉक के फॉर्म में ट्रांसफर होना, उसको हम लोग बोलते हैं रॉक साइकिल। इट इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन जियोलॉजी दैट डिस्क्राइब्स द चेंजेस अमंग द थ्री मेन रॉक टाइप्स, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड इग्नियस रॉक। ये एक्चुअली क्या है ना, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बारे में हमको देखना है। दिस चेंजेस डू नॉट हैपन इन अ डे। ये चेंजेस को एक दिन में या एक साल में नहीं होता है, बट इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, मतलब 100 साल 200 साल लग जाते हैं। टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस लेट अस सी द एग्जांपल बिलो। देखिए, इग्नियस रॉक्स एज यू स्टडीड अबव आर फॉर्म बाय द कूलिंग ऑफ मोल्टन मग्मा विच कम्स आउट थ्रू द वॉल्केनोज। वॉल्केनोज में से जो लावा निकलता है वो जब ठंडा हो जाता है ना, तो उसके ठंडक होने से जो रॉक्स बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। ठीक है, नाउ द वेरियस एजेंट्स ऑफ वेदरिंग लाइक द टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस, द फ्लो ऑफ विंड एंड वाटर, एक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल कॉज इरोशन ऑफ द रॉक्स एंड दिस इग्नियस रॉक्स कीप ब्रेकिंग एंड क्रैकिंग। होता क्या है ना, ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, ज़्यादा बारिश की वजह से, ज़्यादा कह सकते हैं कि ना विंड फ्लो की वजह से, इन सभी चीज़ों की वजह से क्या है ना, वो इग्नियस रॉक्स जो है ना वो धीरे धीरे टूटते रहते हैं, क्रैक उनमें पड़ता रहता है। ठीक है, नाउ द ब्रोकन पीसेस ऑफ द रॉक्स विच मे बी अ स्मॉल एज पेबल्स एंड फाइन सैंड कीप शिफ्टिंग एंड गेट मूव बाय नेचुरल ट्रांसपोर्टेशन इन बेसिन एंड लोअर रीजन्स एंड ग्रेजुअली फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स। धीरे धीरे जो उसके इग्नियस रॉक्स में से टुकड़े टुकड़े जो भी पत्थर छोटे छोटे मोटे निकले, वो सब एक जगह पे किसी पानी के माध्यम से, किसी हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह गया, वहाँ पर वो जमा होने लगे, जमा होने लगे तो लेयर बनने लगा, लेयर बनने लगा तो वो बहुत सालों हो गए उसमें, तो वो हार्ड हो गया। ठीक है, तो वो क्या बन जाते फाइनली, सेडिमेंट्री रॉक्स। नाउ द लेयर कीप फॉर्मिंग ओवर द सेडिमेंट्री रॉक्स एंड दोज विच गेट बरीड डीपर अगेन गेट सब्जेक्टेड टू द प्रेशर एंड द हीट ऑफ द अर्थ एंड चेंजेस देयर स्टेट टू द मेटामॉर्फिक रॉक। अब होता क्या है ना कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स निचले स्तर पर ज़्यादा पाए जाते हैं ना, तो उनको ज़्यादा टेम्परेचर, हीट, प्रेशर मिलते वो जल जाते हैं। जलने की वजह से ना वो और भी एक नया फॉर्म धारण कर लेते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। सिमिलरली द इंट्रूसिव रॉक्स अंडर द अर्थ सर्फेस आर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर एंड दे चेंज देयर स्टेट टू द मेटामॉर्फिक रॉक। इंट्रूसिव रॉक्स यानी जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं ना ज़्यादातर, वहाँ पर भी हाई प्रेशर टेम्परेचर की वजह से ना उसके अंदर भी चेंजेस पाए जाते हैं और वो भी मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं। द मेटामॉर्फिक रॉक अगेन मेल्ट ड्यू टू द हीट एंड प्रेशर प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ एंड मिक्स इन टू द एग्जिस्टिंग मगमा इनसाइड द अर्थ एंड दस द साइकिल कंटिन्यूज। अब क्या होता है, जो मेटामॉर्फिक रॉक एकदम निचले स्तर पर होते हैं ना, वो फिर से हाई प्रेशर टेम्परेचर से पिघलते हैं, मगमा बनता है, मगमा वॉल्केनो के द्वारा लावा बनकर जमीन पर आता है, फिर से वो इग्नियस रॉक्स बनता है, फिर वही कहानी रिपीट होती रहती है, इग्नियस से वापस सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से वापस मेटामॉर्फिक, वापस से पिघलना, वापस ये कार्य कर चलता रहता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि इनसाइड द अर्थ यानी हमारे अर्थ के अंदर तीन मेन लेयर्स हैं, क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। कहाँ पर कितनी ज़्यादा गर्मी है, कौन कितना चौड़ा है, क्या है। ठीक है, फिर तीन प्रकार के पत्थर, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, हम सब ने इनके बारे में पढ़ा और किस तरीके से एक साइकिल चलता है जिसकी वजह से ये तीनों एक दूसरे में अपने आप परिवर्तित होते रहते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने इस चैप्टर के अंदर जानकारी ली है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। फिर से नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।